अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी के 10 सदस्यों ने थामा एनएसयूआई का दामन, कांग्रेस शहर अध्यक्ष के हाथों ली एनएसयूआई की सदस्यता। मंगलवार को शहर में एवीवीपी की कार्यकारिणी के 10 सदस्यों ने एवीवीपी को छोड़ एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन सभी छात्रों ने कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के हाथों एनएसयूआई की सदस्यता ली। इन छात्रों का कहना है कि एवीवीपी एक छात्र संगठन तो है, परंतु यहां पर छात्रों के अधिकारों का हनन किया जाता है। छात्रों के हित के लिए कार्य करने का दावा करने वाले यह संगठन आगे बढ़ने वाले छात्रों के साथ दोगली नीति अपना रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिसके चलते वो सब एवीवीपी को छोड़ एनएसयूआई से जुड़ रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब छात्र और युवा वर्ग एवीवीपी को छोड़ एनएसयूआई और कांग्रेस की सदस्यता ले रहा हो। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसके पहले भी सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की थी। मैं अभी तक मॉडल साइंस कॉलेज में एवीवीपी का इकाई अध्यक्ष था और वहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत की। इवन मॉडल साइंस कॉलेज में एवीवीपी का कहीं पे नाम नहीं था, उस टाइम से मैंने काफ़ी मेहनत करके वहाँ पे स्टैंड किया एवीवीपी को। और हमारे ये जो साथी हैं, ये सब हमारे साथ मिल के पूरे निष्पक्ष भाव से वहाँ पे काम किए। लेकिन एनएसयूआई में आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। मतलब जो हमने अचीवमेंट की थी, जो हमें मिलना चाहिए जितनी मेहनत हमने की है, तो उसे नज़रअंदाज कर दिया गया वहाँ पे। और वहाँ बजरंग दल के साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसा किया हमारे साथ, मतलब एक दोगला नीति जिसे कहते हैं वो उन्होंने अपनाई। वहाँ महेश भाई साहब जो हैं, उनके संगठन मंत्री एवीवीपी के, उन्होंने कुछ जो है तो अपना पराया वाला भेदभाव किया। मतलब जो नहीं है उन्हें भी उन्होंने लिया, ताकि हमें बढ़ने का मौका ना मिल पाए, है ना। हमें बढ़ने नहीं दिया वहाँ पे। और एनएसयूआई पे जब हमने देखा कि यहाँ पे छात्रों का जो स्थान है उन्हें दिया जाता है और इनके जो अधिकार हैं उन्हें मिलते हैं, इनके लिए एनएसयूआई हमेशा निरंतर काम करती है।